हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद अंजना। और आज मैं लेके आई हूँ ड्राइंग फॉर किड्स। और आज मैं आपको हार्ट यानी कि झोपड़ी बता रही हूँ। आपने ए लिखना सीखा होगा और आज मैं आपको फिर से ए लिखना सिखा रही हूँ, बट यहाँ ए से मैं हार्ट बता रही हूँ आपको। सो आप मेरे साथ ए लिखिए कुछ इस तरह। और कुछ लाइन्स और हमारा हार्ट बन के तैयार हो जाएगा। सो किड्स, अब आप लोग को कभी परेशानी नहीं होगी कि आप लोग कोई टीचर्स इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे देते हैं और आप बना नहीं पाते हो। सो आप मेरे चैनल्स को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हार्ट बनाना सीखो। और छोटे छोटे पेंटिंग्स में हमेशा वीकली लाते रहूँगी आप लोग के लिए। हार्ट के साथ में ये ट्री बता रही हूँ। ट्री को मैं स्पेशल से भी बताऊंगी आपको, ताकि आप ट्री को बहुत ही स्पेशल से सीख पाओ। सो नेक्स्ट विंडोज की बारी है। फिर हम बनाएंगे डोर, पूरा हवादार खिड़कियां। डोर भी बन गया। आज मैं आपको ऑयल पेस्टल कलर से कलर करना सिखाऊंगी और आपको हार्ट बनाना सिखलाऊंगी। और आगे मुझे कमेंट भी आया है कि जो आप कुछ ऑयल पेस्टल से सिखाइए, बट मैं अभी बस किड्स के लिए लाई हूँ, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को ये ऑयल पेस्टल कलर से मैं कलर करना बताऊंगी कि आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाएं। मैंने यहाँ पर 4 कलर्स लिए हैं, येलो ऑर्चर, ब्राउन, ग्रे ब्राउन से मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। आप येलो ऑर्चर का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर छोटे वाले बॉक्स हैं कलर के, तो उसमें येलो ऑर्चर है, आप येलो ऑर्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट में। मेरे साथ साथ आप कलर करना स्टार्ट कर दीजिए। हार्ट बनाना उतना भी टफ नहीं है छोटे छोटे दोस्तों। आप आराम से बनाइए। येलो कलर ऊपर में फिल कर दीजिए, बस। और ब्राउन कलर से शेडिंग्स, ब्राउन ब्लैक मिलाकर हम यहाँ पर शेडिंग करते हैं। येलो ऑर्चर के ऊपर
ब्राउन कलर से हल्का हल्का शेडिंग देने से उसमें वो सेड से साइड ब्लैक लाइट वो सब कलर्स आ जाते हैं। आप भी दीजिए। ब्लैक कलर इसको अट्रैक्ट करता है, बट आप कभी बॉर्डर डायरेक्ट मत डालिए, बॉर्डर के ऊपर फिर से ब्राउन कलर का शेड जरूर कर दीजिए। इससे ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ ब्लैक कलर से आपने बॉर्डर डाला है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि आप ब्लैक कलर से डायरेक्ट बॉर्डर मत डालिए, इसके ऊपर ब्राउन कलर, जैसे ये देखिए ब्राउन कलर को चलाने के बाद वो पता नहीं चलता है कि मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर डाला है इसमें। तो ये काफ़ी नेचुरल लगेगा। नाउ ब्राउन कलर से मैंने ट्री का स्टेम कर लिया है। लिप्स में आप सैप ग्रीन, लिटिल बिट ब्लैक, सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, तीन चार रंगों से इसको फिल करना है। भी हम येलो आर्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें साइड जो बम्बू नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें भी हम येलो आर्चर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ब्लैक, मैं हर्ट के साथ छोटे छोटे प्लांट्स भी बता देती हूँ, साइड में आप डाल दीजिए, इससे आपके हर्ट की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। उसके जस्ट ऑपोजिट भी आप छोटे छोटे प्लांट्स डाल दीजिए और यहाँ सैप ग्रीन से सेट कर दीजिए। लैंड को हम सैप ग्रीन से हल्का सेट कर दिए और उसके ऊपर फिर से येलो ऑर्चर को खिला दिया और स्काई ब्लू से आप अपने आसमान को कलर कर दो। अभी तो पता ही है आसमान में आसमानी कलर यानी कि लाइट ब्लू कलर होता है। सो फ्रेंड्स, अब आपका पेंटिंग बन जाएगा ना। फॉर वॉचिंग।